वेलकम टू द श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन. लास्ट क्लासेस वी स्टडीड अबाउट स्पेसिफिक रोटेशन. टुडे वी विल टॉक अबाउट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बात करेंगे, ये टॉपिक अपने पढ़ क्यों रहे हैं. देखो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का यहाँ पे मतलब क्या है. देखो मैंने तुम्हें बताया था जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है उसको जो कंपाउंड रोटेट कर दे, तो रोटेट करने को अपने क्या बोलते हैं, इट्स अ कंपाउंड इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स. ऐसे क्या होते हैं, उन मॉलिक्यूल में कुछ ऐसे करैक्टर होते हैं कुछ मॉलिक्यूल में जिससे वो क्या होता है, कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है. तो कहने का मतलब है ऐसे कंपाउंड जिसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, कहने का मतलब जो कंपाउंड सिमेट्रिकल प्रेजेंस होता है वो कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपने एलिमेंट सिमेट्री जिसमें प्रेजेंट होती है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, वो कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड होता है जिसमें ये तीनों जो फैक्टर है, ये जो तीनों पॉइंट है, ये जिसमें प्रेजेंट नहीं होना वो कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स. तो कहने का मतलब है मान लो किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, तो इसका मतलब वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव. इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा. अगर किसी भी कंपाउंड में एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड. ऐसी सेंटर ऑफ सिमेट्री है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड. तो इनको अपने स्टडी करेंगे कैसे किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है और प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते किसे है, डिफाइन करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री को. तो सबसे पहले अपने देखते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में पढ़ेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री. देखो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या. देखो जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को इसमें मैंने इधर से ऐसे कट कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अपने को पता है ऐसे अगर डिवाइड किया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वर्टिकल. वर्टिकल कर दिया मैंने, इसको काट दिया. अब जैसे ही वर्टिकल काटा ना, ये दो स्वयं पार्ट में डिवाइड हो गया और जो दोनों पार्ट इसके बने हैं ना वो एक दूसरे के मिरर इमेज है. आगे क्या, ऐसे प्लेन को अपने क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री. जैसे मार्कर से, चलो आपको समझ में नहीं आया, मैं यहाँ पे ले लूँ जैसे ए, एक अल्फाबेट ले लेता हूँ यहाँ पे ए. अब मुझे देखो यहाँ से कौन से पार्ट से मैं काटूँ, दो बराबर पार्ट में, सेम पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए. देखो इधर से कट करने पर नहीं होगा, तो इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, ये वाला. तो देखो इधर से कट किया, ये वाला पार्ट इधर गया, ये वाला पार्ट गया इधर, और दोनों पार्ट का कट करेंगे तो दोनों पार्ट क्या है, एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज. तो इसको अपने डिफाइन कैसे करेंगे, इफ द मॉलिक्यूल डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट देन बोथ पार्ट्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, द सिमेट्री सेट टू प्लेन ऑफ सिमेट्री या दी प्लेन सेट टू प्लेन ऑफ सिमेट्री. स्पीकिंग अगेन, इफ द मॉलिक्यूल डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट्स द बोथ पार्ट्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर द प्लेन सेट टू प्लेन ऑफ सिमेट्री. आगे क्या बात समझ में, जैसे ये ले अपने, ये क्या हो जाएगा, इसको अपने बोलेंगे क्या, इसको अपने बोलेंगे वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री. क्या बोलेंगे इसको, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री. जैसे मैं एक बार डोल रहा हूं यहां पे भी, अब
देखो बी में कहाँ से अपने कट करें, यहाँ पे कौन से पार्ट से डिवाइड करें, कौन से प्लेन से डिवाइड करें, अपने दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, तो कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, और जैसे ही दो पार्ट्स में डिवाइड हुए तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, मिरर इमेज। आगे क्या बात समझ में इसमें, इसको अपने कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब अपने कैसा मॉलिक्यूल देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं मॉलिक्यूल का, ठीक है। ये मैंने तुम्हें लीनियर वर्ड से बता दिया, देखो भैया। तो अपने एग्जांपल लेते हैं मेसोटैट्रिक एसिड, स्ट्रक्चर बनाते हैं मेसोटैट्रिक एसिड की। यहाँ पे होता है कार्बन, कार्बन के दोनों तरफ क्या होते हैं, COH ग्रुप, इधर वाले C, इधर की तरफ भी क्या होता है, COH ग्रुप, ठीक है। साथ में कौन कौन से ग्रुप होते हैं, इधर की तरफ होता है OH और इधर होता है H, इधर की तरफ होता है H और इधर की तरफ होता है OH। क्या है ये मेसोटैट्रिक एमिल, स्ट्रक्चर्स ऑफ मेसोटैट्रिक एसिड। यहाँ पे अपने को क्या देखना है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेन देखेंगे, कौन से कट करने पर, कौन से पार्ट में कट करने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर से देखो कट करके देखो, अपने टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया इक्वल पार्ट में, और दी इक्वल पार्ट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो अपने कह सकते हैं मेसोटैट्रिक एसिड में क्या प्रेजेंट होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। एनी प्रॉब्लम, ये अपना कंप्लीट हो गया, कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, नेक्स्ट बात करेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, देखो भी ध्यान से समझेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं यहां से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था, अभी देखते हैं अपनी बात करेंगे। देखो भाई सबसे पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसे बोलते हैं, पहले जनरल लैंग्वेज में देख लो। मान लो कोई मॉलिक्यूल है, उसको मैं 360 डिग्री पे रोटेट करता हूँ, आगे बात समझ में, अगर उसको 360 डिग्री पे रोटेट करने पर वो कितने डिग्री पे, कितनी बार, आगे क्या बात समझ में, कितनी बार उसकी सेम स्ट्रक्चर आए, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स, मतलब रोटेट करने पे कितनी बार क्या है अपने को सेम स्ट्रक्चर्स दिखाई दे, वो उसकी क्या हो जाएगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज स्पेसिफिक एक्सिस ऑफ मॉलिक्यूल। देखो कैसे, जैसे यहां पे अपने एग्जांपल लेते हैं वाटर का, इधर की तरफ ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन और इधर की तरफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, ये हो गया ऑक्सीजन, अपने को पता है इसके पास दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या इस H को मान लेता हूँ HA और इसको क्या बोल देता हूँ HB। अब मुझे इसको रोटेट करना है, कितने डिग्री पे रोटेट करने पर ये सेम होगी, देखो 360 डिग्री पे रोटेट करना है इसको, पूरा सेम स्ट्रक्चर्स कितने डिग्री पे दिखेगी, देखो ये घूम के एक बार इधर आ गया, कितने डिग्री पे आया, देखो ये इधर से इधर गया, ये इधर से इधर गया 180 डिग्री। तो यहाँ पे 180 डिग्री पे रोटेट करने पर सेम स्ट्रक्चर सारी है, कहने का मतलब क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, इधर दो लोन पेयर हो गए, यहाँ पे क्या आ जाएगा एच बी और इधर की तरफ क्या आ जाएगा एच ए। मेरी बात समझ में आ गई क्या, हाँ भाई। अब यहाँ पे क्या है, फिर वापिस 180 डिग्री पे और रोटेट करो, देखो यहाँ पे ये है,
फिर इसको 180 डिग्री पे रोटेट किया, ये हो गया। फिर वापस कब आएगी सेम स्ट्रक्चर्स, 180 डिग्री पे वो रोटेट कर दिया मैंने, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें सिमेट्री एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी परसेंट होती है, 2। मतलब टू टर्म्स में क्या होता है, टू टाइम्स में आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स गेट हुई अपने को। तो यहाँ पे देखो, मैं अगर फिर से रिपीट करूँ, स्ट्रक्चर्स कौन सी बन जाएगी 180 डिग्री पे वापस, ये मेरे बात समझ में आ गई। तो कितनी बार सेम स्ट्रक्चर्स दिखी अपने को, एक बार ये, एक बार ये आ गई। तो इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना हो गया, 2। आगे बात समझ में, अब इसको अपने डिफाइन करते हैं। इफ द मॉलिक्यूल बाय द रोटेशन इट अगेन कम्स टू, इट अगेन कम्स टू देयर इज आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स या ऑब्टेन आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, the axis is called axis of symmetry. Speaking again, if the molecule by the rotation it again comes to identical structures, the axis is called axis of symmetry. आगे क्या बात समझ में, the number of rotation, the number of rotation denoted by the n, the axis of symmetry, axis of symmetry denoted by the cn, angle of rotation, angle of rotation, rotation is 360 degree upon n. कहने का मतलब जितनी टर्म्स में ये क्या सेम स्ट्रक्चर आ रही है, नंबर ऑफ रोटेशंस आगे n, उसको अपने डिवाइड कर देंगे 360 डिग्री से, डिवाइड कर देंगे n को। आगे क्या बात समझ में, जो अपने को एंगल गेट हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो कितनी बार आ रही है सेम स्ट्रक्चर्स इसकी वाटर की, एक बार ये सेम, एक बार ये सेम, दो बार आ रही है। तो इसका सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा, C2 वाटर के लिए। ये क्वेश्चन आया था बोर्ड में, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी वाटर के लिए, 2। किसके लिए आ जाएगी, 4H2। कब आया था ये, RBSC में आया था 2019 में, क्वेश्चन आया 2019 में। आगे बात समझ में, इसमें आंसर क्या आ जाएगा, C2। अब एंगल पता करना है अपने को, मान लो ये C2 सिमेट्री ऑफ एक्सिस है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो 360 डिग्री अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो कौन से एंगल पे अपने को गेट हुई, 180 डिग्री, फिर वापस 180 डिग्री। आगे क्या, रोटेशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोटेशन कितने हो गए, 2। एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। ये किसके लिए निकाला है मैंने, ये फॉर द वाटर मॉलिक्यूल। अब थोड़ा और डिटेल से समझाता हूँ, मुझे लगता है अभी थ्योरेटिकल आपको समझ में नहीं आया, थोड़ा और डिटेल से देखो, देखो भी ये चलो वाटर के लिए हो गया। अब देखते हैं अपने BF3 के लिए दिखाता हूँ मैं, जैसे अपने एग्जांपल है BF3। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, देखो इधर मैंने लिख दिया B, एक F कर दिया इधर की तरफ, दूसरा F हो गया इधर, तीसरा मैंने कर दिया इधर, ठीक है। एक को मान लिया चलो मैंने A, इसको मान लिया मैंने B, इसको क्या मान लिया मैंने C। अब देखो ये कितनी डिग्री पे सेम आएगा, इधर देखो सबसे पहले तो ये इधर भी एफ है, इधर भी एफ है, इधर भी एफ है। अब देखो एक बार ये अगर मैं रोटेट करूं किधर की तरफ, ये इक्वल लगेगी तुम्हें, ये एफ ए अगर एफ बी के पास आ जाए, जगह आ जाए, और एफ बी किधर चला जाए, इधर की तरफ, एक बार रोटेट करने पे कितने डिग्री पे, 120 डिग्री पे। तो मान लो मैंने 120 डिग्री पे रोटेट किया, क्योंकि इनके बीच में कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, 120 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, मान लो 120 डिग्री में एफ ए तो आ जाएगा इधर, और एफ बी किधर चला जाएगा, इधर, और एफ सी किधर आ जाएगा, इधर की तरफ। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, बी एफ इधर आ जाएगा सी, 120 डिग्री एंगल पे रोटेट किया मैंने एफ सी, और ए किधर चला जाएगा, इधर, तो इधर क्या आ जाएगा, एफ ए, और बी किधर आ जाएगा अपने, एफ बी आ जाएगा इधर। सेम स्ट्रक्चर्स गेट हुई कितने डिग्री एंगल पे अपने को, 120 डिग्री पे। आगे कितनी बार रोटेशन सी हुई वो अभी अपने देखेंगे। देखो
फिर मैंने एक बार और रोटेट किया, अभी सेम आई नहीं है, पूरा 360 डिग्री पे सेम आएगी एकदम, मतलब एफ ए एफ ए की जगह वैसे स्ट्रक्चर सेम आ रही है, इधर भी बी एफ थ्री है, इधर भी बी एफ थ्री आगे एक 120 डिग्री एंगल पे ये सेम लग रही है। अब अपने देखो नेक्स्ट आ जाएगा बी, इधर की तरफ आ जाएगा एफ, फिर इधर की तरफ एफ, फिर इधर की तरफ एफ, एक बार और 120 डिग्री पे रोटेट किया, अब रोटेट करेंगे तो एफ ई किधर आ जाएगा, इधर, एफ बी किधर चला जाएगा, इधर, और एफ सी किधर आ जाएगा, इधर। तो अपने क्या आ जाएगा रोटेशन से, एफ ई चला गया इधर, आगे बात समझ में, और एफ बी आ जाएगा इधर, 120 डिग्री पे रोटेट किया, किधर की तरफ रोटेट कर रहे हैं, इधर। अब एफ सी किधर आ जाएगा, इधर, मेरी बात समझ में आ गई, कितने डिग्री पे, 120 डिग्री पे। एक बार और रोटेट करेंगे, ठीक है, तो अब देखो अब की बार रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ई किधर आ जाएगा, इधर, और एफ सी किधर आ जाएगा, इधर, और एफ बी किधर आ जाएगा, इधर। तो मतलब ये आ जाएगी स्ट्रक्चर्स। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे नंबर ऑफ रोटेशन क्या हो गया, एक बार ये सेम स्ट्रक्चर्स गेट हुई अपने को, एक बार ये, एक बार ये, तो एन यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, एन इक्वल थ्री। तो आपसे पूछ ले एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है बी एफ थ्री की, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगी सी थ्री। अब पूछिए रोटेशनल एंगल क्या है यहां पे, तो यहां पे देख लो 360 डिग्री अपॉन एन की वैल्यू क्या है 3, क्या आ जाएगा अपने पास इधर 120 डिग्री। आ गया बात समझ में, एनी प्रॉब्लम्स? अब मैं थोड़ा प्रैक्टिकली और बता देता हूं, वो देखिए आप प्रैक्टिकली देखो, जैसे ये है, सेम नहीं मिले मेरे को मार्कर, बस ये समझा रहा हूँ, देखो अब जैसे एन एस थ्री का ले अपने, ये आगे समझ में, एक एग्जांपल और लेते हैं एन एस थ्री का, अमोनिया के लिए, फोर अमोनिया, अमोनिया का मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ आपको, देखो दो ही मार्कर है सेम मेरे पास, इधर तीसरा मैं पेन ले रहा हूँ, ठीक है, देखो मान लो ये हो गया, ये इधर है नाइट्रोजन का लोन पेयर, ठीक है, ये हो गई तीन। अब देखो रोटेट करना है अपने को, ये हो गई स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन हो गए अमोनिया के, नाइट्रोजन है इधर की तरफ, तीन हाइड्रोजन हो गई। अब मुझे ऐसी की ऐसी स्ट्रक्चर्स अपने को दिखाई दे रोटेशन से, तो कब दिखाई देगी, देखो अब मैं मान लो इधर रोटेट कर रहा हूँ इधर, तो ये सेम स्ट्रक्चर्स ऐसी दिखाई देनी चाहिए, इधर की तरफ रोटेट करूंगा तो अब हो रहा है 120 डिग्री पे, आगे बात समझ में, फिर मुझे सेम कब दिखाई देगी, आप इसको ही हाइड्रोजन मानो, ये पेन का कलर अलग है, फिर वापस रोटेशन करूंगा यहाँ पे, देखो कब सेम दिखाएगी, ये इधर आ जाएगा, ये चला जाएगा इधर, और ये आ जाएगा इधर, तो पड़े क्या हो जाएगी ये वाली स्ट्रक्चर्स, आगे बात समझ में। अब मुझे इधर से इधर को गेट करना है, ये आ जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा वापस इधर, आगे बात समझ में, फिर आ जाएगा ये इधर, कितनी बार टर्म हो गए यहाँ पे एस थ्री को, कितनी बार दिखाई देगा अपने को सेम, आप करके देखना घर पे, तीन बार। तो एन एस थ्री के लिए एन की वैल्यू नंबर ऑफ रोटेशन कितनी बार अपने को सेम, सीधा सा तरीका ये है, रोटेशन से कितनी बार सेम स्ट्रक्चर्स दिखाई दे अपने को, वो उसका क्या हो जाएगा सिमेट्री एक्सिस, मतलब ये ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, एक बार सेम कितनी बार दिखाई दे घुमाने पे, आगे क्या घुमाने पे सेम कितनी बार दिखाई दे रहा है अपने को, वो उसका क्या हो जाएगा सिमेट्री ऑफ एक्सिस, या एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एनएस थ्री के लिए एन की वैल्यू क्या होती है 3, आगे क्या बात समझ में, इसका मतलब इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा एनएस थ्री के लिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा इसके लिए सी थ्री। एनी प्रॉब्लम्स? ओके नेक्स्ट अपने करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट आ जाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। ऐसा इमेजिनरी पॉइंट जिसमें कोई लाइन ड्रॉ करने पर बोथ साइड, कहने का मतलब बोथ साइड सेम डिस्टेंस हो और सेम मॉलिक्यूल सेम एटम हो, आगे बात समझ में, उसको अपने क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो जैसे मोस्ट बढ़िया सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसमें बेंजीन का लेते हैं अपने,
अब इसमें पॉइंट कौन सा हो जाएगा, सेंटर कौन सा हो जाएगा, सिमेट्री सेंटर की। अब इससे मान लो मैं कोई लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, आगे बात समझ में, दोनों साइड देखो सेम डिस्टेंस है और सेम एटम्स है दोनों तरफ, देखो आगे क्या बात समझ में। तो ये वाला सिमेट्री कौन सा हो जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब मान लो इधर से मैं कर रहा हूं तो ये साइड और ये साइड देखो, आगे क्या बात समझ में, मतलब ऐसा पॉइंट जिस पे कोई लाइन ड्रॉ करने पर बोथ साइड क्या हो, बोथ साइड रीच टू इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल एटम्स। आगे बात समझ में, मैं इसको थोड़ा डेफिनेशन बताता हूं इसके। द सेंटर ऑफ सिमेट्री इज द इमेजिनरी पॉइंट ऑफ सेंटर, ठीक है, विच इज द ड्रॉ ऑफ लाइन, बोथ आर सेम साइड, सेम इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल एटम, बोथ साइड इक्वल एटम एंड इक्वल डिस्टेंस। मैं फिर से वो रिपीट कर रहा हूं, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज द इमेजिनरी पॉइंट ड्रॉ ऑफ द लाइन ऑफ सेंटर्स, बोथ साइड इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल एटम, द सेंटर ऑफ इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री। आगे क्या बात समझ में, यहाँ पे देखो इधर की तरफ किधर से भी ड्रॉ कर दो, इस मतलब इस पॉइंट से एक सेंटर पॉइंट होता है, इधर से किधर भी लाइन ड्रॉ कर दो आपको इक्वल साइड इक्वल डिस्टेंस और इक्वल एटम मतलब दोनों साइड सेम मिलेंगे, दोनों क्या होंगे मिरर इमेज होंगे, सीधा सा तरीका ये है। उस सेंटर पॉइंट को लेके आप किधर से भी कट लगा दो ऐसे ऐसे लाइन से, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। तो इसका मतलब किधर से भी कट लगाओ, आप इधर से कट लगाओ दोनों मिरर इमेज है। अगर मैं इधर से भी इस सेंटर लाइन से होते हुए जाने चाहिए, अगर इधर से भी कट करूं तो ये मिरर इमेज है, दोनों साइड एक दूसरे की मिरर इमेज होगी, इसी को ही अपने क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। आगे बात समझ में, जैसे एग्जाम्पल एक एस का लेते हैं अपनी एस, आगे इधर से देखो इधर की साइड, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। एनी प्रॉब्लम? तो आज अपनों ने क्या पढ़ा, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। मैं रिपीट कर देता हूँ, अपने तीन पार्ट्स, तीन अपने पॉइंट पढ़ते हैं एलिमेंट सिमेट्री में, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये किसी में भी प्रेजेंट होंगे ना, वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। और ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा तो क्या हो जाएगी, उनमें क्या होगा, अब्सेंस होगा, क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो तो ऑप्टिकल इनएक्टिव, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो तो ऑप्टिकल इनएक्टिव, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। आगे क्या बात समझ में, प्लेन ऑफ सिमेट्री अपने ने कर लिया, ऐसा प्लेन जिसमें क्या हो, दोनों मिरर इमेज हो ऐसे प्लेन से, तो प्लेन टू टाइप के होंगे यहाँ पे। सेंटर ऑफ सिमेट्री में तो कहीं से भी अपने कट लगा दे पॉइंट से होता हुआ, प्लेन ऑफ सिमेट्री में एक तो वर्टिकल होगा और एक क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। दूसरा अपने उन्हें एक्सिस किया, ऐसा एक्सिस क्या हो जाएगा जिसको अपने रोटेट करने पे इट अगेन कम्स टू आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स। आगे क्या बात समझ में, उसको अपने क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तीसरा अपने आ जाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर से कहीं भी कट लगाओ दोनों तरफ सेम साइड में इक्वल डायरेक्शन और इक्वल एटम्स गेट होंगे, या दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज। आगे बात समझ में, दोनों साइड वाले किसी भी उस पॉइंट से होते हुए कट लगाना, तो इसको अपने क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे एग्जाम्पल अपनों ने किसका लिया है, बेंजीन का। आगे बात समझ में, ओके बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम।